नमस्कार, स्वागत का न्यूज 18 में। मैं आपके सक्सेना आपके साथ आइए नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार जहरीली शराब देखने को मिल रही है और इसी के चलते हुए लोगों की मौत भी हो रही है। अभी भीलवाड़ा के अंदर कुछ ही समय पहले 4 लोगों की महिला के सहित मौत भी हुई थी और इसी प्रकरण के अंदर सरकार ने एक्शन ले लिया है और सरकार ने एक्शन लेते हुए 12 कार्मिकों को निलंबित भी कर दिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भीलवाड़ा में जहरीली शराब पीने से महिला समेत 4 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में सरकार के निर्देश के बाद में 12 कार्मिक निलंबित किए गए और निलंबित कार्मियों में पुलिस वृत्त अधिकारी विनोद कुमार, थाना अधिकारी मनोज कुमार जाट, बीट प्रभारी हेड कांस्टेबल जगदीश चंद्र, कांस्टेबल शिवराज, भीलवाड़ा के आबकारी अधिकारी मुकेश देवरा सहित कई लोगों को वहाँ से निलंबित भी कर दिया गया है। वहीं इस मामले में विस्तृत प्रशासनिक जाँच की जिम्मेवारी संभागीय आयुक्त अजमेर को सौंपी गई है। वे 15 दिन में जांच कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। और आपको बता दूं, भीलवाड़ा में जहरीली शराब से महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी और इसी पर सीएम अशोक गहलोत ने गहरा दुख भी जताया था। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि भीलवाड़ा शराब दुखांतिका में मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ भी हैं। उन्होंने उपचाररत पीड़ितों के शीघ्र स्वास्थ्य और लाभ की कामना की है। वहीं सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और अन्य पीड़ितों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम छाबड़ा जुड़ चुकी हैं। तो पूनम जी, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में कल एक बार फिर से जहरीली शराब से महिला सहित 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो आखिर क्या ये लगातार राजस्थान के अंदर चल रहा है? देखिए, सरकार की अवहेलना हो रही है पूरी तरीके से और सरकारी अधिकारी जिस तरीके से लोगों की जान की परवाह ना करके सिर्फ काला धन अपनी जेब में डालने के लिए जो लापरवाही कर रहे हैं, उसी का ये नतीजा है कि अभी 10 दिन पहले भी भरतपुर में इतनी बड़ी वाकया हुई, उसके बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे। तो पूरी तरीके से ये सरकार की और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है कि इनको बस अपनी काली कमाई की पड़ी हुई है। लोगों की जो मौतें हो रही हैं, लोगों की जो जनहानि हो रही है, जो मौतें हो रही हैं, उनका पूरा कारण जो है वो सरकारी है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर पूरे में 12 कार्मिकों को निलंबित भी किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि उनका जहरीली शराब के अंदर कुछ हाथ था? देखिए, बिल्कुल हाथ तो है ही, और अगर उनको बर्खास्त कर दिया गया है तो ये सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकती सिर्फ उनको बर्खास्त करके। कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है। जब एक आम नागरिक इन लोगों को सूचित करता है कि हमारे यहाँ पे हथकर शराब बनाई जाती है, तब ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अपनी काली कमाई की जो मोटी बात आती है कि काली कमाई की पड़ी हुई होती है। जब ये लोग सूचना के बाद भी कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये सब मिली भगत है इन लोगों की। वो लोग पूरे मिले हुए थे, इसीलिए उन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है और सरकार ने उनको बर्खास्त किया है, तो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ा है जिम्मेदारी से कि उन लोगों को जान की और जो जान हानि हो रही है उनकी कोई नहीं पड़ी हुई है, इसलिए इनको बर्खास्त किया गया है, पल्ला झाड़ा है सरकार ने। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जब तक कुछ जन हानि नहीं होती है तब तक सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, और जब कोई जन हानि हो जाती है उसके बाद में सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाता है। जी बिल्कुल। और इसी पर मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए मृतकों और 50,000 रुपए पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो आखिर सरकार किसी की मौत होने का इंतजार क्यों करती है? इस बार पहले ही कोई रणनीति क्यों नहीं बना लेती? रणनीति नहीं बना सकती क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि लोगों में शराब जो बिक रही है, चाहे हथकड़ हो, चाहे देशी हो, चाहे विदेशी हो, सरकार नहीं चाह रही है कि उसको कारोबार रोके। सरकार कारोबार नहीं रोकना चाह रही, इसलिए तो लोगों की मौत हो रही है। सरकार चाह रही है कि इसका और कारोबार वो पनपाए। जो 6,500 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को 2 साल पहले तक प्राप्त होता था, है कि 15,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो सरकार को, तो आप खुद ही समझदार है। जब डबल से भी ज्यादा लोगों ने करोड़ राजस्व रुपए का टारगेट रखा है, तो कहाँ जनहानि की इन लोगों को पड़ी होगी, कहाँ जनहानि की ये हुए बिना ये लोग सोचते हैं। और कहीं ना कहीं पल्ला तो झाड़ा ही है सरकार ने,
जनहानि के बाद में ही जागते हैं, क्योंकि इनको ये है ना कि अब ये इस पर क्या कर सकते हैं, क्या 2-2 लाख रुपए देकर और 50-50 हज़ार रुपए देकर आप जिनकी मौत हुई है जिस परिवार में, उन सदस्यों को लेकर आ सकते हैं वापस? क्या ये जिंदगी भर के लिए उन लोगों को राशि दी गई है? क्या इतने रुपयों में उनका घर परिवार चल सकता है? जो बच्चे, बिल्कुल जो बिल्कुल माताएं बिल्कुल बहनें जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है, क्या वो पूरे जिंदगी भर की उन लोगों की, जिस व्यक्ति की शहादत हुई है, जिस व्यक्ति की मौत हुई है, क्या वो वापस आ सकता है इन पैसों बिल्कुल से? वो तो वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर 3 दुकानों को सीज किया गया है सरकार के द्वारा। तो आखिर सीज तो ये अभी किया गया है, लेकिन 5 किलोमीटर के दायरे में 3 दुकानें होना बहुत ही बड़ी बात है। ये वही बात है पुलकित जी, मैंने इसके पहले वाले इंटरव्यू में भी आपसे बताया था कि एक लाइसेंस शुदा दुकान पे ये लोग 6-6 दुकानें अवैध तरीके से खोल कर बैठे हैं, और मिली भगत के बिना, सरकार की और अधिकारियों के बिना मिली भगत के ये पॉसिबल हो नहीं सकता। एक लाइसेंस पे 5 दुकानें कैसे खुल सकती है? तो 5 किलोमीटर में अगर 3 दुकानें हैं तो इसका मतलब आप खुद समझदार हैं कि सरकार और अधिकारी किस तरीके से मिली जुले करके बैठे हुए हैं। एक लाइसेंस पे 3-3 दुकानें खोल के बैठे हैं, तो बिल्कुल सब लोगों की मिली भगत है ये। इन लोगों की कार बिना जानकारी के तो वहां पर चल नहीं रही थी, इनको सब मालूम था, लेकिन जनहानि हुई और हमें ये एक बेहद दुखद हादसे का जो है लोगों को शिकार होना पड़ा, और हमें किस्सा फिर से 15 दिन में एक दोबारा नया किस्सा सुनने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप इस पर जानकारी देते रहिएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद बोल के। इस खबर पर सत्ता देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।